हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए प्रोग्राम को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग यूजर से एक नंबर को रीड करेंगे और दोस्तों उस नंबर का एक स्क्वायर रूट जो है वो हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो अपने पास है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। तो आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना डेवलपर C++ आईडी स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप कोई दूसरा आईडी यूज करें तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज जो बात करेंगे, जिस प्रोग्राम को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यूजर से एक नंबर को रीड करना है। तो पहले कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज है, लाइक एक मैं नई फाइल बना देता हूँ यूजिंग Ctrl+N शॉर्टकट की। दोस्तों, यहाँ पर जाकर के हमें लिखना होगा #include stdio, ठीक है, stdio.h। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद में मुझे क्या करना होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर जो है वो या तो आप इंटीजर मेन या वर्ड मेन जो भी आप चलाना चाहें, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ और उसके लास्ट में जाके लिख दूंगा Return 0। इस तरीके से आपका जो है वो बेसिक फॉर्मेलिटीज यानी कि आपका मेन फंक्शन बन चुका है। इसके अंदर दोस्तों आपको कोड करना है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर यूजर से एक नंबर को रीड करना है। तो दोस्तों नंबर जो रीड कर रहे हो वो एक इंटीजर टाइप का, इसलिए मैं लिख दिया इंट, ठीक है, और उसके आगे आप वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नम। इसके साथ साथ दोस्तों मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उसको अपन कहीं स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मैं SQ नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ उसके स्क्वायर रूट के लिए। बस दो ही वेरिएबल चाहिए। हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, जैसे मैं लिख दूंगा Print F, ठीक है, मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ और इसमें लिख दूंगा एंटर नंबर, ठीक है। यूजर जो है एक नंबर डालेगा, नंबर जब अपन को रीड करना है तो उसके लिए अपन क्या लिख देंगे Scanf और उसमें लिख देंगे %d और उसके बाद लिख देंगे एड्रेस ऑफ नम। तो दोस्तों यूजर जो भी नंबर डालेगा वो एक नम नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखिए, स्क्वायर रूट लेने के लिए अपने पास यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है जिसका नाम है दोस्तों SQRT, सिंपल सा है SQRT। और दोस्तों किसका चाहिए तो अपन लिख देंगे नम। नम जो वेरिएबल है उसका अपन को यहाँ एक स्क्वायर रूट चाहिए और वो स्क्वायर रूट अपने पास SQ वाली वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे दोस्तों सपोज मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ 144, ठीक है, तो 144 जो आपके पास है वो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा आपके पास में सपोज की 12। तो दोस्तों ये 12 जो है वो SQ के अंदर आ चुका है। अब हमें करना क्या है, अब दोस्तों हम इसको डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या कर दूंगा, मैं जाके लिख दूंगा Print F और इसके अंदर क्या लिख देंगे अपन, जो भी आप लिखना चाहे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ जो भी अब आपका दोस्तों नंबर है %d से आ जाएगा, जैसे कि सपोज 144 इज, और दोस्तों उसके बाद आप लिखना चाहते हैं 12। तो इस तरीके से अपन ने एक फॉर्मेट बना दिया है। पहले अपन जो वैल्यू लेंगे वो दोस्तों कौन सी वेरिएबल की डिस्प्ले करेगा, मतलब कि इस %d की जगह किसकी वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों, वो आनी चाहिए अपने पास नम की। और इसी तरीके से कॉमा करने के बाद यहां पर दोस्तों किसकी वैल्यू आनी चाहिए अपने पास, तो वो आनी चाहिए आपके पास SQ की। इस तरीके से दोस्तों आपका जो कोड है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बीच के स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद अपने इस कोड को अपन सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए दोस्तों आप इस कोड को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। आप जानते हैं मैंने अपने डी ड्राइव पे एक फोल्डर बना रखा है C Prox, इसके अंदर ही मैं कर रहा हूं, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। दोस्तों मैं इसका नाम रख देता हूं सपोज की SQ, ठीक है, स्क्वायर रूट आपको जो भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक है, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ SQUARE स्क्वायर रूट, ठीक है, इस टाइप से आप लिख दीजिए, .c लगाना नहीं भूलना है। दोस्तों इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन चुका है। आपको करना है कि आपने कोड को रन करना है, मतलब कंपाइल के साथ साथ। देखिए अगर कोई एरर है तो वो आपको कंपाइल के थ्रू बताएगा, अगर एरर नहीं है तो उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा जिसको आप F10 या रन के थ्रू रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है दोस्तों यूज कर रहा हूँ कंपाइल एंड रन, शॉर्टकट है F11। जैसे ही दोस्तों आप इसको रन करेंगे आप देखेंगे पहले ये इसको कंपाइल करेगा, अगर इसमें कोई एरर आती है तो वो एरर दिखाएगा दोस्तों, नहीं तो फिर वो सीधा प्रोग्राम को रन कर देगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों 144, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 144 का आपके पास आ चुका है 12। इस टाइप से दोस्तों आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं इस कोड को फिर से रन कर लेता हूं। लाइक दोस्तों अगर आप लिख देंगे 100 तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 10। इस टाइप से दोस्तों आप यहां पर कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये कोड जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं।
अगर दोस्तों आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो दोस्तों आप मेरे को इन किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज दोस्तों इतना ही करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।